सो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में एक और न्यू कॉलेज का रिव्यू लेके आया हूँ मैं। तो इस कॉलेज का नाम है हरम्बा चंद कॉलेज। ये डे कॉलेज मीन्स कि सिटी कॉलेज इसको भी बोला जाता है, फॉर्मली साउथ सिटी कॉलेज बोला जाता है। तो क्या क्या ऑब्वियसली क्या क्या टॉपिक डिस्कवर मीन्स कि इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उस पर पहले नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो हरम्बा चंद कॉलेज है ये कोएड है, मीन्स स्पेशली बॉयज़ स्पेशली गर्ल्स के लिए नहीं है ये कॉलेज, कोएड ही है। और इसका शिफ्ट क्या है, डे आप मॉर्निंग में नहीं जा सकते हो, इसका डे शिफ्ट है, एक ही टाइमिंग है डे। तो आप समझ गए होंगे कि हरम्बा चंद कॉलेज जिसको डे में मतलब डे में अच्छा लगता है जाना तो ये कॉलेज चूज़ कर सकते हैं। किसी को मॉर्निंग जाना, जब मॉर्निंग पसंद है तो ये मॉर्निंग के लिए नहीं है, लेकिन ये सिर्फ डे के लिए। तो उससे चलिए अब स्टार्ट करते हैं, क्या क्या टॉपिक है उस पर नज़र डालते हैं कि क्या क्या टॉपिक इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला है लोकेशन, क्या है लोकेशन इस वीडियो का मीन्स क्या है इस कॉलेज का। उसके बाद है कोर्स ऑफ़र, अगर आप हरम्बा चंद कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो पहले तो देखना पड़ेगा ना क्या क्या कोर्स दे रहा है, क्या क्या कोर्स आप इस पर पढ़ सकते हो, वो कोर्स पे नज़र डालेंगे। उसके बाद नज़र डालेंगे एडमिशन प्रोसेस पे, क्या प्रोसेस है एडमिशन का। उसके बाद नज़र डालेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो कुछ तो आपको मार्क्स या कुछ भी तो क्राइटेरिया होगा ना जिसके बेसिस पे आपको वो लेगा, तो वही एलिजिबिलिटी हम देखेंगे क्या क्या है। उसके बाद है फीस, फीस भी देखना पड़ेगा क्या क्या फीस पेमेंट है, फीस है वो भी देखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि बात करने वाला था कि लोकेशन देखना है, लोकेशन ऑफ हरम्बा चंद कॉलेज, इसका लोकेशन है 23/49 गरियाहाट रोड ढाकुरिया कोलकाता वेस्ट बंगाल 7,29,000। तो ये है इसका एड्रेस, अगर आप रेलवे स्टेशन जाना चाहते हैं नियरेस्ट रेलवे स्टेशन ढाकुरिया रेलवे स्टेशन है इसके क्लोजेस्ट। अगर आप मेट्रो से जाना चाहते हैं तो नियरेस्ट मुझे जहाँ तक पता है कालीघाट ही है, और नियरेस्ट बस स्टॉप है गोल पार्क बस स्टॉप। यहाँ से आपको वॉकिंग डिस्टेंस ही मिलेगा, आपको जाके विद इन 2 और 3 मिनट्स में आप पहुँच सकते हो हरम्बा चंद कॉलेज। उसके बाद डिस्कस करते हैं कोर्स, कोर्स क्या ऑफ़र करता है ये कॉलेज। तो सबसे पहला है बीकॉम जनरल करता है, आप यहाँ से बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो, आप यहाँ से बैचलर ऑफ़ आर्ट्स जनरल कर सकते हो, आप यहाँ से बैचलर ऑफ़ आर्ट्स ऑनर्स भी कर सकते हो, आप यहाँ से BSc जनरल भी कर सकते हो, आप यहाँ से BSc ऑनर्स भी कर सकते हो। तो ये सारे 6 कोर्सेज यहाँ से आप कर सकते हो इस कॉलेज से। इसके बाद एडमिशन प्रोसेस पे डिस्कस करते हैं, कैसे एडमिशन होगा। तो सबसे पहले नॉर्मली हर वीडियो में बोलता हूँ, हर कॉलेज में बोलता हूँ कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबसे पहले भरना होगा। और जैसे कि जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ, इस वक्त 10th और 12th के बोर्ड कैंसिल हो चुके हैं CBSE के भी और वेस्ट बंगाल के भी। तो आप लोग बोलेंगे कब फॉर्म आएगा, तो कॉमन सेंस है आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो वहाँ पर रिजल्ट्स मांगते हैं, मार्क्स मांगते हैं। तो जब तक आपके रिजल्ट गवर्नमेंट आपको नहीं देगा तब तक आप फॉर्म नहीं भर सकते। तो वेट करो रिजल्ट का, रिजल्ट कब आता है ठीक उसके 10-15 दिन में ही कॉलेज अपना एप्लीकेशन फॉर्म निकाल देगा। अगर आपको फिर भी नहीं पता चल रहा तो मैं ज़रूर आपको बता दूंगा वीडियो के थ्रू, इसलिए आप चैनल को जल्दी नोटिफाई करके रखना, सब्सक्राइब करके रखना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मेरिट लिस्ट आउट होता है, कॉमन चीज़ है, फॉर्म भरो, उसके बाद कुछ वीक्स बाद मेरिट लिस्ट निकलता है आपको, फिर एप्लीकेशन पेमेंट करना पड़ता है। उसके बाद एडमिशन शेड्यूल, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया तो आपको टाइमिंग दिया जाएगा कि इस डेट को इतना से इतना बच्चे का एडमिशन होने वाला है, तो आपको उस शेड्यूल पर जाना होगा एडमिशन के लिए। कॉलेज कॉलेज बुलाता है या कैसे भी डॉक्यूमेंट मीन्स कि कैसे भी आपको एडमिशन कैसे देगा, ऑनलाइन देगा कि ऑफलाइन देगा कुछ भी, लेकिन आपको शेड्यूल ज़रूर देगा। उसके बाद आता है आपका एडमिशन शेड्यूल के दिन आपका तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा ही, क्योंकि वहाँ पे आप क्या लिखे हो एप्लीकेशन फॉर्म में सही है या गलत, तो वो आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा। उसके बाद फाइनल जो होता है फाइनल आपका एडमिशन होगा कॉलेज में। तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्राइटेरिया, बीकॉम ऑनर्स आप कर रहे हैं तो क्राइटेरिया क्या है। तो क्राइटेरिया है ऑब्वियसली 12th पास होना होगा या फिर इक्विवेलेंट बोर्ड पास करना पड़ेगा 2021 का है। और इसमें 5 ईयर्स ब्रैकेट में इसलिए लिखा गया है कि मान लीजिए कि अगर आप 2010 या 12 2012 में आप पास किए हो, 12th HS पास किए हो, 12th का एग्ज़ाम पास किए हो, तो आप सोचोगे कि अभी हम बीकॉम करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी 2021 से ऑलमोस्ट 7-8 साल का गैप है। तो बीकॉम तो ये कॉलेज से 5 साल का ग्रांट देता है, मतलब आप 2016 वाले ही बैच 16 16 के बाद वाले बैच वाले स्टूडेंट ही बीकॉम कर सकते हैं इस कॉलेज से। और 50% इन टोटल जनरल कैटेगरी से 50% टोटल में लाना ही पड़ेगा तुमको, और रिजर्व कैंडिडेट के लिए 40% फॉर और कोर्स। ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया।
अब फीस देख लेते हैं, कोर्स फीस क्या है। एक कोर्स फीस से ध्यान से रखना है, 3 साल का कोर्स होता है बीकॉम, कोर्स फीस उस में डिस्कस करते हैं। तो अगर आप बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो तो 16,000, ये एग्जैक्ट फिगर दिया हुआ था इसके वेबसाइट में, तो वही लिया। तो थोड़ा आगे पीछे 1,000-2,000 हो ही सकता है, तो डोंट माइंड। तो उसके बाद अगर बीकॉम बैचलर ऑफ आर्ट्स कर रहे हो ऑनर्स, तो 15,800 समथिंग 40 लगेंगे। अगर आप बीएससी कर रहे हो विथ ज्योग्राफी, तो आपका 30,840 लगेंगे जो भी 3 साल में। ये सर, अगर आप सोचोगे कि जनरल का मैंने फ़ीस नहीं बताया है, तो जनरल का फ़ीस उसी में 1,000-2,000 कम होता है बस, और कुछ नहीं। उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं अपडेट। हाँ, अपडेट ऑन एप्लीकेशन फॉर्म, ये तो फाइनल टॉपिक था। बहुत जन बोले हैं कि आपने बता तो दिया कॉलेज के बारे में, लेकिन मैं कॉलेज में एडमिशन कब लूँ, फॉर्म कब निकलेगा। तो आपको टेंशन बिल्कुल लेने का जरूरत नहीं। आप चैनल सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफाई बटन दबा के रखो, घंटा बटन दबा के रखो, तो टेंशन मत लो ना। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा, मुझे सबसे पहले पता चलता है, तो मैं वीडियो बना दूंगा और आप लोग जल्दी से जल्दी फर्स्टली आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भर लेंगे। यही चीज़ था, तो हम ही इन्फॉर्म करेंगे। अगर फिर भी नहीं लगता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि भैया जी ये मेरा नंबर है, ये मेरा नाम है, मुझे बता दीजिएगा, तो मैं ज़रूर आपको कॉल करके इवन मैसेज करके बता दूँगा कि भैया आपका भैया बहन जो भी हो आपको ये पर्टिकुलर कॉलेज का फॉर्म निकल चुका है, तो मैं ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि आपके लिए बनाते हैं ये वीडियो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।